ये सभी ग्रैंडपा को मारने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन ग्रैंडपा को पकड़ लेते हैं और फिर बाबा बोलते हैं, तुमने ग्रैनी को मार कैसे दिया, अब मैं तुम्हारे सामने ही ग्रैनी को रंग लगाऊंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, हाथ डाल के कलेजा खींच लूंगा, आराम पर उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले, कसम खाता हूं कल का सूरज, कल का छोड़ अभी इसी वक्त जिंदा जलाता हूं तुझे, जिंदा जलाएगा तू, जो होगा देखा जाएगा। ये क्या तुम्हारा औरत के मांगे पियर का सिंदूर? दोस्तों आज होली है और गुल्ली और सोन मजे से होली खेल रहे हैं, लेकिन बुल्ली तो घर के अंदर छुपा हुआ है। गुल्ली बोलता है, बुल्ली बाहर आ जाओ, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बुल्ली बोलता है, मुझे होली बिल्कुल भी पसंद नहीं। सोन बोलता है, एक बार बाहर आकर तो देखो, होली खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। बुल्ली बोलता है, अगर तुम लोगों ने ज्यादा मेरे साथ जोर जबरदस्ती की तो मार चप्पल की आंधी ला देंगे। सोन जमीन में पड़ा हुआ चाकू उठा लेता है और गुल्ली को दे देता है। सोन बोलता, मेरे दोनों हाथों के नसों को काट दो, अब मैं जीना नहीं चाहता। अगर बुल्ली होली खेलने के लिए बाहर नहीं आया तो मैं अपने खून से होली खेलूंगा। बावला हो गया है तू, रहने दो, बुल्ली की नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, काट दो मेरे नसों को। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं काट सकते हो। नहीं नहीं, काट दो काट दो। बस कर पगली, टोलाएगा क्या, आता हूँ अभी होली खेलने के लिए। बुल्ली की ये बात सुनकर गुल्ली और सोन के चेहरे पे चमनिया मुस्कान आ जाती है और बुल्ली जैसे ही बाहर आता है, सोन बुल्ली पे छलांग लगा देता है और फिर क्या था, बुल्ली का कपड़ा फट जाता है। और जब बुल्ली अपने कपड़े को फटा हुआ देखता है तो बुल्ली गुस्से से लाल हो जाता है और फिर क्या था, मारपीट चालू। बाप का माल समझ के फाड़ दिया बे, नहीं बेटा समझ के। लेकिन गुल्ली बुल्ली की खुशियों पे किसी ने गंदी नजर डाल दी है। और ये कोई और नहीं बल्कि अपना बड़का बेटवा जेसन है। जेसन बोलता, जितना तुम लोग को हंसी मजाक करना है कर लो, क्योंकि ये होली खून की होली होगी। और फिर इतना बोलकर जेसन धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जेसन को किसी की बाइक की आवाज सुनाई देती है, जेसन वहीं पर रुक जाता है। अरे ये क्या, ये तो हमारे बाबा है। स्वागत तो करो हमारा। लगता है कि बाबा भी होली खेलने के पूरे मूड में है। ओ जुमीना सारा रारा, होली है। सोन बोलता, आओ बाबा हमारे साथ होली खेलो। गुल्ली बोलता, बाबा हमने होली का अच्छा इंतजाम किया हुआ है, ये देखो इधर मैंने डीजे भी लगवाया है। बाबा बोलते, तो देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। बुल्ली नाचते नाचते बाबा को गिरा देता है और फिर बाबा बुल्ली को गिरा गिरा कर मारते हैं। नाच गाना करने के बाद बाबा बोलते, होली है और होली में तुम लोग ने कुछ इंतजाम किया है या नहीं? बाबा की बातें सुनकर सोन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो घर के अंदर जाता है और दो खंभा ले आता है और खंभा देख के तो बाबा के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। मार के खंभा हो जाएंगे लंबा। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये चारों खंभा पीने के बाद तो पूरे नशे में है। सोन बोलता, लेकिन होली हमारी बेकार है। बाबा बोलते, वो कैसे सोन? सोन बोलता, अरे हम लोग अपनी ग्रैनी भाभी को तो भूल ही गए। बाबा बोलते, तो देर किस बात की, चलो हम लोग ग्रैनी ग्रैंडपा के घर चलते हैं। सारे लोग ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जेसन के इरादे अच्छे नहीं लग रहे। गुल्ली बोलता, हमें यहीं पर प्लानिंग कर लेना चाहिए कि हमें वहां जाकर क्या करना है। बाबा बोलते, करना क्या है, हमें बस ग्रैनी को रंग लगाना है और बीच में बुढ़ा बोल दिया तो उस अमावस्या के चांद को उठा के नली में फेंक देंगे और ज्यादा बोलेगा तो मरबो करेंगे। गुल्ली बोलता, हमें तो पहले ग्रैंडपा को उठा के नली में फेंक देना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ग्रैनी को रंग लगाएंगे। बाबा बोलते, उसकी चिंता मत करो, उस बुढ़े को मैं संभाल लूंगा। थोड़ी ही देर में वो सभी ग्रैनी ग्रैंडपा के घर पर पहुंच जाते हैं और इधर जेसन भी
इन चारों का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका है, क्योंकि जेसन एक सही मौके का इंतजार कर रहा है। घर के बाहर ग्रैनी तो होली की तैयारी कर रही है और ग्रैंडपा तो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहे, शायद वो घर के अंदर है। अरे भाभी जी, क्या हाल है, पुआ पूड़ी बन रहा है क्या? हाँ बुड्ढे, पुआ पूड़ी बन गया, खाएगा क्या? खा और मर जा। बुल्ली बोलता क्या हुआ ग्रैनी, तुम गुस्सा हो गई? सबसे पहले तो अमावस का चांद किधर है, पहले तो तुम उसे बाहर बुलाओ। गुल्ली की आवाज सुनकर ग्रैंडपा बाहर आ जाते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज, यहाँ पे काम चल रहा है, निकलो, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो। ग्रैनी ग्रैंडपा से बोलती है, जाओ तुम्हारे सारे दोस्त लोग आए हुए हैं, जाओ और अपने कपड़े फाड़वा दो। ग्रैंडपा बोलते, मुझे होली बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं होली खेलने के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। गुल्ली बोलता क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। बाप बोलते, अबे टकली तू बाहर आएगा कि हम लोग अंदर आए, और अगर अंदर आ गए तो तुम्हें हम लोग बाद में लगाएंगे, सबसे पहले तो ग्रैनी को लगाएंगे। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, लगा दो मुझे रंग। अरे आ रहे हैं भाभी जी। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, आ जाओ आ। ग्रैनी की बात सुनकर ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो ग्रैनी को मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ नंगोटिये बचाओ, मारो मारो, यही है वो खूनी दरिंदा, मारो, बेल फाड़ो बेल फाड़ो। ये सभी ग्रैंडपा को मारने के बाद गुल्ली बुल्ली और सोन ग्रैंडपा को पकड़ लेते हैं और फिर बाबा बोलते हैं, तुमने ग्रैनी को मार कैसे दिया, अब मैं तुम्हारे सामने ही ग्रैनी को रंग लगाऊंगा। ग्रैंडपा बोलते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ये क्या तुम्हारा औरत के मांगे पियर का सिंदूर। ग्रैंडपा ये सब सीन देख के गुस्सा के मारे जोर से चिल्लाते हैं और फिर वहाँ पे पड़ा हुआ बांस का फट्टा उठाकर बाबा का माथा फाड़ देते। अरे बाप रे बाप, माथा फाड़ दिया मेरा, ये बुड्ढा पागल हो गया। और फिर बाबा वहीं पर बेहोश हो जाते और फिर ग्रैंडपा गुस्से से गुल्ली बुल्ली और सोन को देखने लगते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और फिर जेसन को सही मौका मिल जाता है इन सभी से बदला लेने की। जेसन पीछे से जोर से चिल्लाता है जिससे कि ग्रैंडपा गुल्ली बुल्ली और सोन की नजर जेसन पर जाती है। सारे लोग जेसन को देख के काफी ज्यादा डर चुके हैं और फिर जेसन धीरे धीरे ग्रैंडपा की तरफ बढ़ने लगता है। जेसन अपने हथियार से ग्रैंडपा में वार करने जा ही रहा होता है, तभी बाबा पीछे से डंडे से जेसन को मारते हैं। जेसन लड़खड़ा जाता है। बाबा बोलते हैं, तुम्हें ग्रैंडपा से लड़ने से पहले मुझसे लड़ना होगा। और बाबा की ऐसी बातें सुनकर ग्रैंडपा की आंखों से खुशी की आंसू चू जाते हैं। और इधर बाबा और जेसन में मारपीट चालू हो चुका है। ग्रैंडपा बाबा को जोर से चिल्लाकर बोलते हैं, इस जेसन को छोड़ना नहीं। और ग्रैंडपा की बातें जैसे ही बाबा सुनते हैं, वो हवा में तलवार लाते हैं और वो तलवार जेसन के सीने में भोंक देते हैं और जेसन वहीं पर खत्म हो जाता है। बाबा बोलते हैं, गया धरती का बोझ धरती में। और फिर ग्रैंडपा बाबा के सामने जाते हैं और ग्रैंडपा बोलते हैं, मुझे माफ कर देना बाबा, मैंने तुम्हें इतना मारा और फिर भी तुमने हमारी मदद की। बाबा बोलते हैं, मैं औरतों और बूढ़ों की हमेशा मदद करते रहता हूँ। गुल्ली बोलता है, तो बाबा दूर किस बात की, चलो हम लोग होली को सेलिब्रेट करते हैं। अरे चला चला बलंग पुचकारी, तूने मुझे मारी। और फिर सारे लोग डांस करने के लिए गुल्ली बुल्ली के घर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये लोग तो होली सेलिब्रेट करने में लगे हुए हैं। आप लोग की होली कैसी गई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारी 100 ईयर की फैमिली पूरी हो चुकी है, इसलिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शॉर्ट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शॉर्ट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।